हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत नहीं करूंगा बल्कि हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहूंगा। दोस्तों, ये वीडियो 3 से 4 मिनट का है, प्लीज गुजारिश रहेगी कि आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखें। भारतीय संविधान में हम हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं, हमें ये चाहिए, हमारा ये अधिकार है, हमें ये अधिकार है। इनफैक्ट भारतीय संविधान में भाग 4 के 1 में आर्टिकल 51 में 11 मौलिक कर्तव्य दे रखे जो हमारा उत्तरदायित्व होता है। उसमें से एक मौलिक कर्तव्य है, ये है उत्तरदायित्व, ये है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पे देश की सेवा करें। दोस्तों, ये आह्वान जनता कर्फ्यू ही है। प्रधानमंत्री जी के 35 मिनट के खड़े हुए जो भाषण दिया, उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया, उसमें आप सबसे इस बात की गुजारिश की गई है। दोस्तों, कोरोना वायरस एक, बहुत सारे लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, ये इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि हमसे 100 अंक ज्यादा स्वास्थ्य, अगर रैंकिंग देखी जाए तो हमसे 100 अंक ज्यादा अमेरिका और इटली जैसे देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इनफैक्ट यहां तक उनका ये प्रयास अब हो रहा है कि जिन लोगों की जान बचाई जा सके सिर्फ उनको, उनका क्योर किया जाए, उनपे मतलब वर्क किया जाए। तो दोस्तों, भारतीय सरकार या स्टेट गवर्नमेंट ने जितना भी प्रयास किया है, इनके बस स्कूल, एविएशन, हर चीज को क्लोज किया है, और प्रधानमंत्री जो मोदी जी के द्वारा आपसे देश के नाम जो संबोधन किया गया वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और आप सभी से रिक्वेस्ट किया गया है कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का पालन करने के लिए। दोस्तों, ये रैंकिंग आप देख के, जो ऑफिशियल रिपोर्ट की रैंकिंग है, आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हर दिन कितनी रैंकिंग, कितने लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और कितना ये प्रॉब्लमेटिक हो गया। वीडियो के लास्ट में बस मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जैसा कि मोदी जी ने अपने 35 मिनट के भाषण में आप सभी से रिक्वेस्ट भी की थी कि कम से कम 10 लोगों को फोन कॉल करके आप ये चीजों को जरूर बताएं। दोस्तों, हमने लगभग नियर अबाउट 500 से ज्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी दी, और इनफैक्ट मेरे से भी बड़े यूट्यूबर जिनके 15 से 20 लाख सब्सक्राइबर है उनसे इस बात का रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी इसके ऊपर 5 मिनट का वीडियो बनाया और सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में सिर्फ मैं ये गुजारिश करूंगा, ये वीडियो 2-3 मिनट का ही है, प्लीज इस वीडियो को देखें और सभी लोगों से शेयर करें। पॉसिबल हो सके तो जनता कर्फ्यू के बाद भी थोड़े से अपने ही घर पे समय बिताएं और भीड़भाड़ इलाके से बच के रहें और जितना हो सके स्वच्छता बरतें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।